पुत्र कर्ण, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव, किसी गहरी सोच में खोए हुए थे पुत्र। हाँ पिताश्री, उसी सोच में जिसमें केवल खोया ही जा सकता है, जिसमें से बाहर नहीं निकला जा सकता। कदाचित बाहर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं है। मेरा सारा जीवन एक सोच में ढल कर रह गया है पिताश्री। इतने उदास क्यों हो पुत्र? उदास ना हूं तो और क्या करूं? मैं आपका पुत्र हूं यह कोई जानता नहीं, और मैं एक सूत पुत्र नहीं हूं यह कोई मानता नहीं। इस सत्य और असत्य के बीच मेरा जीवन एक शून्य में अटका हुआ है। न जाने मेरा जीवन एक ऐसे अपराध का दंड क्यों बन गया है जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं है पिताश्री। पुत्र, नियति के कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जिनके विषय में नियति के अतिरिक्त कोई कुछ जान ही नहीं सकता, और नियति वो तो बस खेल खेलने में व्यस्त रहती है, अपने खेल का कारण नहीं बताती। मैं तुम्हारे मन की पीड़ा से परिचित हूं, किंतु उदासी उदासी उसका उत्तर नहीं है पुत्र। तो फिर उसका क्या उत्तर है पिताश्री? उसका उत्तर यह है पुत्र कि उठो और संसार को दिखा दो कि कर्ण जन्म से महान है। उठो और संसार को अपने पराक्रम और प्रताप का परिचय दो। दिखा दो संसार को कि क्षत्रिय जन्म से नहीं कर्म से होता है। बता दो इस संसार को कि तुम लोहे की एक ऐसी चट्टान हो जिससे टकराने वाला चूर चूर हो जाता है, एक ऐसी चढ़ती नदी जिसे कोई बाण कोई तट नहीं रोक सकता। उठो पुत्र और वहां जाने की तैयारी करो जहां भाग्य लक्ष्मी तुम्हारी राह देख रही है। कहां पिताश्री? राजकुमारी असावरी के स्वयंवर में। नहीं पिताश्री, उस स्थान पर पांव धरना मेरे सम्मान की मृत्यु होगी। कोई संबंध नहीं रहा मेरा असावरी के साथ। मैं तो उसका मुख देखना भी अपने नेत्रों का अपमान समझता हूं। मैं नहीं जाऊंगा वहां। मैं उस प्रेम उस स्नेह उस भावना से नाता तोड़कर आया हूं पिताश्री, और वैसे भी क्या रह गया है मेरे लिए वहां? नवीन जीवन। नवीन जीवन? हाँ पुत्र, विधि जब कोई कहानी लिखती है तो वो एक मोड़ पर आकर समाप्त नहीं हो जाती, उसके कई मोड़ कई धारे होते हैं। मुनियति, जिसने तुम्हारे जीवन को ग्रहण लगा रखा है, तुम्हारे लिए नए जीवन का संदेश लिए असावरी के स्वयंवर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। समय की इस पुकार को तुम अनसुनी नहीं कर सकते पुत्र, तुम्हें असावरी के स्वयंवर में जाना होगा। पिताश्री, समय बहुत कम रह गया है पुत्र, स्वयंवर का मुहूर्त तुम्हारी राह देख रहा है, जाओ पुत्र। भाई